बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना 3 स्टार यूट्यूब चैनल और मैं हूं शहजाद चौधरी। तो माशाल्लाह जी, आज डेट है 11 जुलाई 2021 और दिन है जी एतवार का, छुट्टी का दिन है। तो माशाल्लाह अजीज़ कार फार्म से कराची के लिए गाड़ी निकली थी कल हमारी बसों, तो रात हम फ्री हुए तकरीबन 9-10 बजे के बाद। तो यहाँ से हमें फिर नुमान भाई गुड लक 1 गुड लक 2, ये इनके साथ आए हैं रात, इनके घर में रहे हैं माशाल्लाह। वीआईपी कमरा, वीआईपी फैसिलिटीज़, खाना शाना खाया है, रात सो गए थे, थके हुए थे बहुत ज़्यादा। अभी तकरीबन 1 बजे का टाइम है और अभी उठे हैं, नाश्ता वाश्ता किया है। तो नुमान भाई, 3 बजे की हमारी वो 4 बजे ट्रेन निकलेगी यहाँ से इंशाल्लाह। तो कितने बजे हम यहाँ से निकलेंगे? हम यहाँ से इंशाल्लाह 3:30 बजे निकलेंगे। कैंट करीबी है, आपको 10 मिनट में पहुँचा देंगे। ठीक हो गया, 3:30 बजे तक, 3:30 बजे तक आपको स्टेशन पहुँचा देंगे। ठीक हो गया, इंशाल्लाह बिठा के आऊँगा गाड़ी के अंदर, आप हमारे मेहमान हैं। सही है। और तो नुमान भाई ने जी माशाल्लाह बहुत ज्यादा इज्जत की हमारी, बहुत ज्यादा मेहमानवाजी की है जी। अल्लाह ताला इनको दुआ है कि अल्लाह ताला और दे रिज़क। आमीन आमीन भाई, ये सब अल्लाह के काम होते हैं और अल्लाह पाक मेहमानों को रहमत बना के भेजता है और वो खुशनसीब होते हैं जिनके घर मेहमान आते हैं। सही है। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए, आपको भी खैर आफियत वाली तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए, 2022 का साल देखना नसीब फरमाए, अल्लाह पाक सबको बरकतें दे। तो ठीक है नुमान भाई, माशाल्लाह, अब आप कब आ रहे हैं हमारे पास? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बकरा ईद के 1 हफ्ते बाद मैं आपके पास हाजिर हो जाऊंगा 2022 के लिए। मोस्ट वेलकम। तो माशाल्लाह जी, अजीज का फार्म की तरफ से सुपर टीवी हो गया, DGF हो गया या 3 स्टार की तरफ से जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, उन तमाम से रिक्वेस्ट की जाती है कि आए हमारे फार्म पे विजिट करें, मेहमान बने हमारे। माशाल्लाह वहाँ पे VIP आपको और हैश मिलेगी, खाना मिलेगा, घुमाए फिराएंगे भी और माशाल्लाह अजीज का फार्म भी विजिट करवाएंगे। तो माशाल्लाह नुमान भाई भी कह रहे हैं कि ईद के 1 हफ्ते बाद आएंगे तकरीबन 7-8 दिन बाद। तो माशाल्लाह नुमान भाई ने अभी बछड़ा लेंगे 2022 के लिए, 2022 के लिए इंशाल्लाह दो बछड़े लेंगे, कलरफुल लेंगे। तो माशाल्लाह अभी जो ईद आ रही है करीब, अभी हमें सुबह निकलेगी गाड़ी तकरीबन अजीज का फार्म से हमारी इस्लामाबाद के लिए, और उसके बाद हमारी एक गाड़ी निकलेगी मुल्तान के लिए। तकरीबन इसे हम 1 या 2 दिन पहले फ्री होंगे तो रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा थकावट उतारेंगे। फिर ईद होगी, ईद के 3 दिन बाद जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह ये मंडियाँ शुरू होंगी तो हम मंडियाँ जाएंगे, अटेंड करेंगे, खूबसूरत कलरफुल फलने फूलने वाले जानवर जो हैं वो लेके आएंगे अपने दोस्तों के लिए, चेक करवाएंगे उनको, जो इनके उनको पसंद होंगे वो हम परचेज़ करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला अजीज़ के फार्म पे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके बयाने भी आ चुके हैं, साथ साथ पैसे भी आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो रहते हैं दोस्त उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि वो भी आएँ, खुद आएँ हमारे पास, एक तो हमारा फार्म भी विज़िट करें, दूसरा हमारे साथ मंडियों में जाएं, आप भी देखें, अपनी पसंद का जानवर लें। तो देखने के लिए जो कैमरे में आप चीज़ देखते हैं वो कुछ और होती है, और जो आप ऑन ग्राउंड जाके देखते हैं अपना लाइव, वो चीज़ कुछ और होती है। तो नुमान भाई ने माशाल्लाह इनके 2 बछड़े थे, गुड लक 1 और गुड लक 2, जो हमने रात तकरीबन 10 बजे इधर ला के बांधे इनके नुमान भाई के घर में। तो नुमान भाई, कैसे बछड़े आपने देखे हैं माशाल्लाह? अजीज कैटल फार्म के लिए मैं एक मैसेज दूंगा, वो ये अजीज कैटल फार्म के ओनर को, अजीज कैटल फार्म की पूरी मैनेजमेंट टीम को, कि मैं अगर कराची से अगर बछड़े खरीदता तो मेरा इतना दिल खुश नहीं होता जितना मेरा अजीज कैटल फार्म में पलाई सेंटर पे पालने में हुआ है। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ है देख के बहुत, कि मैं कराची से इतना अच्छा नहीं ले सकता था, बहुत वजनी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, अच्छा बना के दिया है इन्होंने बछड़ा, मैंने क्या दिया था और क्या इन्होंने बना के दिया। अजीज कैटल फार्म की पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। तो ये नुमान भाई अभी माशाल्लाह सफर किया है इन्होंने तकरीबन, हमने तकरीबन आज से 2 दिन पहले 10 बजे से यानी कि इनको ना लाके बाग मेन रोड पे लेके आए थे, बड़ी गाड़ी थी ना, बड़ी गाड़ी थी, मेन रोड पे लेके आए, वहां से उधर बांधे, फिर गाड़ी में लोड किए, तकरीबन 10 बजे से हमने इनको खड़ा किया हुआ है। और कल 10 बजे से लेके आज देख लें कि रात ये 10 बजे पहुंचे हैं, तकरीबन ये 30-36 घंटे बनते हैं। 30-36 घंटे खड़े होना कोई आसान बात नहीं है और भूखे प्यासे रहना आसान बात नहीं है। तो अभी ये काफी ना इनका वजन जो है वो लूज हो गया है, लूज हो गया है, वो थके हुए हैं, अभी 2 दिन ये थकावट महसूस करेंगे, बैठे रहेंगे, कम खाए पियेंगे। तो इंशाल्लाह ताला 2 दिन के बाद आप देखना। इसमें मेरे को अजीज कैटल फार्म से या तारिक भाई से कोई शिकायत भी नहीं है कि इन्होंने वजन गिराया, तारिक भाई ने मुझे पहले इन्फॉर्म कर दिया था
कि नौमान भाई ये आपके पास पहुंचते ही वजन गिरा देंगे, ट्रक में धक्के लगते हुए आएंगे इनको, मगर 10 दिन पहले हम इसीलिए भेज रहे हैं आपके पास कि ये खा पी के सेट हो जाए। बिल्कुल इंशाल्लाह माशाल्लाह तक सेट हो जाएंगे, माशाल्लाह इससे पहले हो जाएंगे। नुमान भाई हो गए, इसके अलावा जो काफ़ी माशाल्लाह हमारा ट्रक बके है एनएलसी, तो जितने भी दोस्त हैं जिनके बछड़े थे वो माशाल्लाह बहुत मुतमिन हैं, सेटिस्फाइड हैं अपने जानवरों से, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि इनमें से काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनके तो बहने भी आए हुए हैं, कूपन हुए हुए हैं, क्योंकि हमारा अगले साल के लिए जो प्रोग्राम है वो एक प्लान किया हुआ प्रोग्राम है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे पास गंजाइश 150 बछड़े की हो, हम 300 या 400 बछड़े उधर डालें तो फिर हमें भी प्रॉब्लम बनेगी, जानवर भी वीक रहेंगे, तो वो रिजल्ट नहीं होंगे जो एक जो बंदा है जो खर्चा करता है उसके जो नोयत होती है उसके मुताबिक हमें इनपुट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इस वजह से हमने लिमिटेड सा काम किया है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे पास जानवर हुए तो हमें 150 जानवर करना है, तो इसलिए जो हमारे साथ ऑलरेडी जानवर चल रहे हैं दोस्त उनके बयाने भी आए हुए हैं बहुत सारे हैं जिनके पैसे भी आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला बाकी जो परचेजिंग का सिलसिला है इंशाल्लाह ताला इसके फौरन बाद शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला अजीज का फार्म पे जैसे पहले बहारें लगी हुई थी अल्लाह के करम से तो अभी निमान भाई क्या प्रोग्राम है? मेरा ये प्रोग्राम है कि मैं एक दफा और फिर अजीज कैटल फार्म का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि अजीज कैटल फार्म ने मेरी बहुत मुश्किलात हल कर दी है, मंडियों की ख्वारियां जाना, मट्टी धूल धूप सबसे बच गए, पला पलाया जानवर घर पे गेट पे हाजिर हो गया। ये गाखी पलाई है आपकी, ठीक है ना, जैसा आपने कहा है आपके जानवर के साथ हमने वैसे ही ट्रीटमेंट किया है, जैसे जैसे आपने कहा कि वैसे ही रखा है इसको, जो भी दोस्त कहता है ये नहीं आप सही बात है, तमाम के जानवर माशाल्लाह जैसे जैसे यानी कि जानवरों ने कहा कि मालकन ऐसे करना है हमने वैसे किया, बाकी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कांटे की फैसिलिटी है, वजन शजन होता है, हर चीज मेडिसिन जो वैक्सीनेशन है वो टाइम पे होती है, बहुत अच्छा निजाम है, बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह फिट है, तो माशाल्लाह इंशाल्लाह अभी 2022 स्टार्ट होने वाला है और 2021 का जो केक है वो इंशाल्लाह ताला हम ये दो डिलीवरी रह गई हैं वो देने के बाद इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो वीडियो भी हम शेयर करेंगे, यानी कि हमारी फर्स्ट हो जाएगा साल कंप्लीट। तो अभी इसी के साथ आप अभी हम थोड़ी देर तक ना निकलेंगे इधर घूमने के लिए, अभी शहजाद भाई आए हैं, शहजाद भाई को सीवीओ लेके जाते हैं घुमाते हैं, बाकी तो और जगह तो टाइम थोड़ा है, टाइम बहुत है, अभी टाइम बहुत है, आपको क्लिफ्टन दिखाते हैं, आपको सीवीओ दिखाते हैं, इंशाल्लाह इनको घुमाते हैं, अभी तक हमारे मेहमान है, 2 बजे का टाइम है माशाल्लाह, हो रहे हैं 2 बज रहे हैं, 1 बजे है, 1 बजे इंशाल्लाह आपको 1.5 घंटे में 2 घंटे में घुमा के ले आते हैं, अभी तो फिर शाम के लिए निकलना टाइम से, ठीक है इंशाल्लाह आपको अल्लाह के हुक्म से 3:30 बजे में ट्रेन में बिठा देंगे हम, तो इंशाल्लाह ताला अभी निकलते हैं जी घर से, थोड़ा सा घूम फिर लें, कराची भी देख लें, क्योंकि मैं आया हूँ फर्स्ट टाइम कराची में, पहले भी गाड़ी आई थी हमारी वो उधर सहराबकोट मंडी के पास उधर ही रुकी है, उधर से उतारे और उधर से वापस चले गए, टाइम शायद था, तो अब नुमान भाई लेके आए हैं तो नुमान भाई ने बहुत फोर्स किया है कि नहीं भाई आपने शाम को जाना है, गाड़ी की ट्रेन की जो वो हमने करवाई है वो शाम को 4 बजे निकलेगी यहाँ से, तो अभी उन्होंने कहा कि टाइम है हमारे पास, हम आपको घुमाते हैं फिराते हैं दिखाते हैं क्या चीज़ है कराची और कैसा है कराची, तो अभी हम सीवीओ पे जाएंगे सबसे पहले, तो वहाँ पे जाके बाकी के जो वीडियो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अभी थोड़ी देर तक सीवीओ। तो अभी हम जी गाड़ी में बैठे हैं, नुमान भाई साथ गाड़ी चला रहे हैं, पीछे भाई अशद शफीक, तो अभी हम जा रहे हैं माशाल्लाह सीवीओ, तो देखेंगे वहाँ पे सीवीओ का मंजर समंदर वगैरह, ये मेरा तो फर्स्ट टाइम है जा रहा हूँ, अशद भाई भी इधर पहले कराची में रह चुके हैं और शफीक भाई भी कराची में काफ़ी आते जाते रहते हैं, तो माशाल्लाह जी अच्छा शहर है, साफ़ सुथरा भी है, इतना ज़्यादा जितना बताते हैं टीवी के ऊपर वो चीज़ नहीं है, ना ही वो यानी कि है निज़ाम गंदगी के लिहाज से, खुले रोड हैं, ठीक है, रोड भी माशाल्लाह साफ सुथरे हैं, तो अभी नुमान भाई कितनी देर तक हम पहुँच जाएंगे? बस अभी 20 से 25 मिनट लगेंगे हमें, तो रास्ते खाली हैं, आज इतवार का दिन है, छुट्टी है ना, अभी सारा कराची सो रहा है, तो माशाल्लाह जो सफ़र है बड़ा इजी से हो रहा है आसानी के साथ, तो इंशाल्लाह ताला आपको मिलते हैं जी सीवीओ के ऊपर। तो अभी जी ये गाड़ी हमारी और ये आ गया जी सीवीओ बैक साइड पे, ये नुमान भाई, अरशद भाई और ये शफीक भाई, माशाल्लाह जी क्या करें, समंदर माशाल्लाह अपने शुरू में जा रहा है, हवा है काफ़ी तेज़, तो इधर माशाल्लाह ये सारा इलाका है, ऐसे साथ साथ पहले उधर भी गए हैं, अभी फिलहाल इधर हैं, ये भी है जी माशाल्लाह, बहुत ये भी है,
देखने के काफ़ी चीज़ है, जो भी दोस्त हैं उनको आना चाहिए समुद्र से भी। हवा भी ठंडी है, नज़ारा भी नॉर्मल है, तो गर्मी का कोई इशू नहीं है इतना ज़्यादा। ये है जी सी व्यू कराची स्टॉप, फेज 8 के पास हैं जी हम। तो ये है जी मंजर का नज़ारा, काफ़ी रश है जी, चेक करें माशाल्लाह। ये जी क्लिफ्टन का एरिया है और घूम रहे हैं कराची। तीन तलवार चौक जो है हमारे, वो हमारे बैक साइड पे आ गया है। तो ये जी माशाल्लाह कराची चेक करें जी, बड़ी ऊँची ऊँची इमारतें, साफ सुथरा इलाका है क्लिफ्टन का। ये सारे अपार्टमेंट कहते हैं ना, ये सारे मार्केट बनी हुई है, ये मार्केट है, ये क्लिफ्टन की महंगी तरीन मार्केट है। मार्केट है, सही हो जो है, ओशियन मॉल है, पूरा मॉल बना हुआ है, ठीक हो गया। ओशियन मॉल तैयार है, ये तैयार है, ये हो रहा है साथ में ना, ये साथ में हो रहा है, ये ओशियन मॉल है, इसके अंदर परफ्यूम, कपड़े सब मिलता है, सब चीजें ठीक हो गया। तो ये चेक करें, ये दो तलवार का इलाका है क्लिफ्टन का, ये दो तलवार हैं सही, ये जो है एमरल्ड टावर है, एमरल्ड टावर, सही, एमरल्ड शॉपिंग सेंटर है, सही, वो सामने वाली, ये वाली, अच्छा ये वाली, ठीक हो गया, ये दो तलवार का चौक आ गया जी, और एमरल्ड टावर है यहाँ पे, माशाल्लाह, खूबसूरत। ये जी भुट्टो का आ गया घर, भुट्टो साहब, ये भी बेंजीर भुट्टो का बंगला है, यहां से लेकर वहां तक बिलावल हाउस है, ये वाइट कलर का, ये देखो ये बिलावल हाउस आ गया जी, ये बिलावल हाउस, ये इनका घर है ये बिलावल हाउस कराची के अंदर। दोस्तों सैर सपाटा हो रहा है, साथ साथ अब दीजिए इजाजत, तो इंशाल्लाह ताला सुबह मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा अजीज कर फार्म और अजीज कर फार्म की पूरी टीम को। तो इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो सुबह मिलेंगे एक नए वीडियो में। तो अभी हम थोड़ी देर तक वापस जाएंगे और वापस जाके खाना शाना खाएंगे, खाना शाना खाने के बाद हम शाम 4 बजे निकलेगी हमारी ट्रेन, तो इंशाल्लाह ताला ट्रेन के ज़रिए हम पहुंचेंगे बहावलपुर, और बहावलपुर से फिर आगे हम गाड़ी पकड़ेंगे तो हासिलपुर पहुँच जाएँगे। तो इंशाल्लाह ताला जी बड़ा पसंद है शायर, जैसा हम सुनते थे टेलीविज़न के ऊपर कि ये बहुत गंदा है, टूटी हुई सड़कें हैं इसकी, कोई हाल नहीं है, लेकिन वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल चेंज है। तो माशाल्लाह VIP है जी, रोड भी माशाल्लाह इसके सफाई सुथराई भी ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन लाहौर जैसा नहीं है, लेकिन अदरवाइज इतना बुरा भी नहीं है जितना बताते हैं। तो माशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, तो सुबह मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।